आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपके यूएसपी कौन सी आपके यूनिक पॉइंट्स कौन सा है आती है कि आपको पर्सनलाइजेशन करनी पड़ती है पर्सनल बनाना, बिल्ड करना पड़ता है ट्रस्ट विन करने के लिए क्योंकि वो

आई हैव टू क्लोज ठीक है सिर्फ उनकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं उनसे कंट्री कोड पूछते हैं टाइम जोन पूछते हैं जिससे क्या होता है कि डिले आता है जब डिले आता है तो कस्टमर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है Welcome to TED Talk. My name is Ahmed. I am the BD executive at Programmers Force. So, with me is Anas. Uh, He's uh, from the sales department. So, Anas, could you please give us an introduction of yourself? Yes, absolutely. Uh, my name is Anas. I'm from the sales and the growth team of Programmers Force. And so, today we are just going to tell you more about the sales process, the business development process. Since both me and Ahmed are from the sales and the business development, we are just going to give you the complete insights about द हो प्रोसेस एंड हाउ इट शड बी डान सो आसान लफ्ज़ों में अनर्स डी स्लोज करता है और हम, मैं मेरा मेरी रिस्पॉसिबिलिटी होती है कि लीड जनरेट करनी है क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है जी ये आपने अच्छी बात है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया कि क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप लीड्स जेनेट कैसे करते हैं प्रॉस्पेक्ट हंडिंग कैसे करते हैं बाद में आउटरीच किस तरह करते हैं और उसको प्लेटफॉर्म पर लेके कैसे आते हैं मीटिंग कैसे शेडूल करते हैं दे सकते इसके अंदर सर डिपेंड ये करता है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए या अगर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड हैं या सर्विस बेस्ड हैं सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आपको इंडस्ट्री वाइज लोगों को पच करना चाहिए uh, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड है या आपकी ब्लॉक्सल इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर आपकी इंडस्ट्री uh, वाइज कोई भी ऐसी बैंक से रिलेटेड है तो आई थिंक आपको uh, उन डिसीजन uh, मेकर्स को जो है ना वो पच करना चाहिए अपनी कस्टमर्स के और ये नहीं होता कि आपने फ़ॉरन जाके एक uh, उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो बतानी है कि हाँ हम की प्रोडक्ट सेल करें उनसे पहले इंट्रोडक्शन करें उनसे बात करें उनसे पूछें जैसे अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं लोगों से आगे कहता हूँ कि आई आई केम अक्रॉस ए प्रोफाइल आई थिंक वी आर द सेम इंडस्ट्री एंड शेयर द सेम इंटरेस्ट सो लेट्स कनेक्ट पहली बात करेंगे तो उनको जब आप अपनी प्रोडक्ट पिच करेंगे तो इसमें यह ऐसा मिलेगा कि आप बस सेल करने के लिए आए नहीं मतलब ये चीज सो सेल्स के अंदर भी सेल्स यूज़र मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी

जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में तभी तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो क्वालिटी की लीड जनरेट करना उन पे उनसे उन, उन फॉलोअप्स लेना बिकॉज ऐसा होता है ऐसा नाइन्टी परसेंट होता है कि आप जब लोगों को फॉलोअप करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स आ जाते हैं और आपने कस्टमर के हिसाब से उनकी फिजिबिलिटी देखनी है आपने कस्टम जिस तरह मैं करता हूँ मैं अपने कैलेंडनी का लिंक दे देता हूँ जिसके अंदर वो अपने आ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग्स का कर लेते हैं वरना ऐसे होता है कि आप उनसे उनकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं आप उनसे कंट्री कोड पूछते हैं फिर टाइम जो टाइम जोन पूछते हैं जिससे क्या होता है कि डिले आता है जब डिले आता है तो कस्टमर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आप उसको कैलेंडर का लिंक दे दो उसके अंदर अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मीटिंग्स कर लेगा अच्छा मतलब ऑन एवरेज आप को मतलब कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कौन से चैलेंजेस मतलब क्लाइंट हंड करने के अंदर आपको कभी प्रोसेप्ट मिलना रहा हो उसके अलावा किसी किस्म के चैलेंजेस आपको देखें सेल्स के अंदर तो ये चीज़ें चलती रहती हैं अपस एंड डाउन तो आते ही रहते हैं आपको पता तो है तो आप बताएं अनस आपकी रिस्पांसिबिलिटीज और आपके चैलेंजेस कौन से आते हैं सेल्स क्लोजिंग के अंदर मतलब रिस्पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस तो आपको पता सेल्स के अंदर है किसी किस्म का नया चैलेंज आ रहा होता है रिस्पॉसिबिलिटी तो, uh, की अगर आप बात करते हैं तो बेसिक रिस्पांसिबिलिटी यही है आई हैव हैव टू टू क्लोज क्लोज नो आई ठीक है तो अगर आप रिस्पॉसिबिलिटी की बात करें ठीक है एक सेट रूल डिफ़ाइन करना होता है आपने ठीक है सारे बेसिक uh, जो नेसेसिटीज़ होती है जो बेसिक स्टेप्स uh, होते हैं वो आपने सारे डिफ़ाइन करने होते हैं सबसे पहले जब मतलब ऑब्सली आप मीटिंग uh, शेड्यूल करते हैं उसके बाद क्लाइंट मीटिंग के ऊपर आता है uh, आपने तो मार्केट पूरी विज़िट की होती है आपने उस क्लाइंट के बारे में सारा uh, मतलब बैकग्राउंड चेक वगैरह किया होता है कि वो करते क्या हैं एक्चुअली उनकी नीड्स क्या हैं ठीक है साइड बाय साइड मुझे भी सारी चीज़ें करनी पड़ रही होती है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके देखना कि वो सर्विसेज कौन सी ऑफर कर रहे हैं फिर सेकंडली उनकी नीड हो क्या सकती है बिफोर गैरिंग मीटिंग विद ये सारी चीज़ें मुझे पहले होमवर्क uh, वगैरह करना पड़ता है क्लाइंट्स के साथ ना uh, तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपको क्लाइंट के साथ कॉल पर जाने से पहले नीड जो हम जनरेट करते हैं आपको स्टिल अपना होमवर्क करना होता है कंपनी को रिसर्च करनी होती है और उनकी रिक्वायरमेंट्स एज्यूम करनी पड़ती हैं कि वो क्या मांग सकते हैं ओबियसली बात है कि मतलब अगर आप

इस चीज़ के चार्थ. पीछे चार्थ. के, मतलब uh, आपको एटलीस्ट बात करनी पड़ती है यू हैव टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट आपको बात करनी पड़ती है फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ ठीक है उसका पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इफ़ दे आर यूजिंग एनी सर्विस बिफोर और बस सर्विस सिमिलर हैं ठीक है तो इफ़ दे आर फेसिंग एनी चैलेंजेस अगर उनको किसी किस्म का मसला आ रहा है कोई कंसर्न उसके इफ़ इट इज अबाउट इफ़ इट इज अबाउट द्वालिटी ठीक है मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं इस चीज़ के अंदर मुझे लगता है कि लीड जेन वाली साइड पे हमें भी थोड़ी बहुत अपना होमवर्क करना होता है वो होमवर्क करके आप शेयर भी करना होता है कंपनी का नाम कंपनी क्या करती है क्या ये आ, जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं क्या तो ये अलाइन होती है उनके यूज़ के हिसाब से और आई थिंक कि ये ये चीज़ जो है मैंने जो पर... अपनी साइड पे की थी वो मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस किए थे मुझे लगता है कि हमें भी अपना ओवक करना चाहिए हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पता पता होनी चाहिए हम उनकी वेबसाइट पे जाएं हम देखें कि क्या यूज़ केस उनका बन सकता है कि नहीं बन सकता बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज़्यादा कॉल जो हैं वो स्कैडल्ड होती हैं हमें देखना होता है कि क्वालिटी वाली लीड्स हम जनरेट करें ताकि क्लोजिंग की तरफ जाए और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कैसे आता है जब आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कि लोग क्या सेल कर रहे हैं और आपकी आपकी प्रोडक्ट क्या है जी बिल्कुल नहीं मतलब आपको प्रॉपर मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको कंपेटिटर्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि कंपेटिटर्स इफ़ दे आर डूइंग एन इनोवेशन ठीक है कोई नई चीज़ लेके आ रहा है मार्केट के अंदर मतलब यू हैव टू मेक लाइफ ईजिया फॉर द क्लाइंट्स ऑबियस ठीक है ये आपने मतलब सोल्यूशन ऑफर करने की मकसद ही है ना सारा का सारा कि आपने उनको कोई रिजॉल्व प्रोवाइड करना है उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके मुताबिक ठीक है और सेकंडली उसके बाद वो सारी जो चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट्स होते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जितनी भी होती है वो तो ऑबियसली बात है तकरीबा फुलफिल हो ही जाती है उनकी ठीक है वो कोई और सोलूशन भी कर रहा होता है कोई और किसी और थर्ड पार्टी सोलूशन के पास जाएंगे वो भी कर रहे होते हैं इट्स जस्ट अबाउट द वैल्यू ठीक है आ, value, क्या वैल्यू किस तरह क्रिएट करते हैं सेकेंडली मतलब जो मुझे लगता है मतलब जो मैं करता हूँ वेल एवर आई एसक अबाउट द नीड्स अबाउट देर पेन पॉइंट्स वट आर एक्चुअली लुकिंग टू टूगे इन द मार्केट ठीक है जब ये सारी चीज़ें पूछता हूँ तो इंस्टेड ऑफ़ टेलिंग दैम एवरी थिंग द वी आफर ठीक है उनको जो चीज़ अपनी बेसिक नेसेसटीज़ बता रहे होते हैं ना मैं अपने सोल्यूशन को उस तरीके से बिल्डअप करके इनको बताता हूँ ठीक है कि इफ़ दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर समथ स्पेसिफिक तो मैं उसको अपने जो बेनिफिट्स होंगे उसको उसके साथ अलाइन करके बताऊँगा इंस्टेड के शूटिंग एवरी बेनीफिट इसका लोग कॉल्स पर आते हैं जिस तरह हमें जो टेलीफोनिक कॉल्स आती हैं या हमें कोई मार्केटिंग कॉल्स आती हैं हेलो Uh, हम ये हमारी ये कंपनी है और हम ये सेल कर रहे हैं क्या आपको चीज़ चाहिए मैडम देख सकें आपको पहले एक थोड़ा लैक कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ता <laughs> है और जब अगर आ, जब आप उन करते हैं तो उनको आइडिया होता है कि आपने प्रोफेशनलिज्म को लेकर ले साथ चलना, चलना होता है तो आई थिंक आपके वाले पार्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं और हमारे पार्ट के अंदर और आपकी राइटिंग भी ऑब्वियसली करती है बिकॉज आपने फॉलोअप ई मेल्स करने होते हैं कॉल्स के बाद ईमेल्स करनी होती हैं हमारे अंदर हमारी इस चीज़ के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट को लेकर जो पच है वो अच्छी होनी चाहिए हमारी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए और प्लस हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी चाहिए लेट्स से कि अगर मैं लिंकन यूज़ कर रहा हूँ मुझे फेसबुक पे जाना चाहिए मुझे इंस्टा पे जाना चाहिए मुझे आर्ट ऑन करने चाहिए मुझे ईवन मार्केटिंग करनी चाहिए डिफरेंट स्टाडीज़ और आपको पता कि है कि हर चीज़ अब आजकल ऑटोमेटेड हो चुकी हुई है इवन आपको खुद पता है कि हम ऑफवर्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारी जो भी हमारा सी टूल है वो सारा ऑटोमेटेड है बट कभी कबार ऐसा होता है कि आपकी फिर भी स्टिल आई थिंक ऑटोमेशन तो आ चुकी है बट स्टिलइज ई मेल करने के लिए जो like, है ना आपको खुद ही लाइक आपको खुद ही टाइप करनी पड़ती है वो मतलब सीक्वेंसेस के अंदर भी सेट हो जाती है ये आपने मल्टीपल टेम्पलेट्स बनाया था बट स्टिल जैसे भी क्लाइंट की ई आती है या फिर क्लाइंट का कोई भी कंसर्न आता है आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब देना होता है ठीक exactly. है ऑफ गोइंग इन सर्कल्स उनको टू दी चीज़ों के रिजॉल्व देना exactly. सारी बातें करनी है सेकंडली आपको ऑब्वियसली बार बार सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं बार बार ना कि मतलब आपको रिलेशन बिल्ड करना है फिर आपको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको रिसोल्व प्रोवाइड करना होता है ठीक है फिर आपने वही रिपोर्ट बिल्ड करनी है ठीक है फिर उसके अकॉर्डिंगली तो हमारी सेल्स का साइकिल भी थोड़ा सा ऐसा कि मतलब सिक्स मंथ्स हमारी सेल लेज़र भी है एक एटलीस्ट ना तो उसके अंदर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन उनके साथ चलती रहती है आपको प्रॉपर फॉलोअप्स करने पड़ते हैं ठीक है और ये नहीं कि मतलब उसकी ईमेल कुछ आ रही है और आप जवाब कुछ दे रहे हैं या फिर उससे सवाल कुछ पूछ आप जवाब उसका कुछ दे रहे हैं आपको अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है फिर निगोशिएशन आती है चीज़ों की ठीक है प्राइजेस के ऊपर मल्टीपल और सेल्स के अंदर एक बेसिक चीज़ हमेशा रहती है वो आपको लीड uh, जनरेशन के अंदर भी वो चीज़ देखनी पड़ती होगी कि आपको रिजेक्शन रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है हर हर बंदा आके आपको नो no बोलेगा ठीक है मतलब अगर आप ऑन एवरेज तीस uh, से चालीस बंदों को रीच कर रहे हैं तो उसमें से तकरीबन तीन से चार या फिर चार से पाँच ही लोग आपके साथ तो आप हमारे चैलेंजेस बता रहे हैं आप मुझे ये बताएं <laughs> कि हमारी साइड पे तो हमें रिस्पॉन्स का इशू होता है आपकी साइड पे जब नो शो होता है तब तो कितना मसला होता है आपको नोशो आवश्यक बात है वो नो no शो के अंदर मल्टीपल रीजन आ सकते हैं कि क्लाइंट की कोई एमरजेंसी आ गई या फिर उसके पास अवेलेबिलिटी ना हो या फिर आपने गलत बंदा हंट कर लिया बट स्टिल कहने का मतलब ये था कि मतलब सेल्स के अंदर या फिर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल किस्म का क्रिटिसिज्म भी होता है ठीक है एक्चुअली डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपकी आपके मतलब बोला जाता है आपको ऑब्वियसली के, के आपकी साइड पे होता है सेल नहीं हो रही हमारी साइड पे होता है नीड्स नहीं आ रही सेकंडली हमारा क्रिटिसिज्म जितना भी होता है ना उसको आपने कंस्ट्रक्टिव लेके चलना है इंस्टेड के रैश बिहेव करना है उसके अगेंस्ट या फिर कोई ऐसी चीज़ तो इंस्टेड ऑफ आप अपनी चीज़ों को तो, जस्टिफाई करें चीज़ों को तो, कंस्ट्रक्टिव लेके चलना चाहिए

मतलब सी बात है सेल्स मतलब मेरे मुताबिक तो सेल्स एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है एंड यू कैन बिल्ड जो करियर ऑन सेल्स तो जो भी तरफ आना चाह रहा है पहले तो चीज ये उसको ब्रेव होना पड़ेगा क्योंकि यू गेट टू हेयर अ लॉर्ड ऑफ नोज इन सेल्स ठीक है फिर उसको उसके हिसाब से टैकल करना आना चाहिए मैनेजमेंट एंड फ्राम द क्लाइंट एसवाओ ठीक है उसको तरीके से लेके चलना सेकंडली इस चीज के ऊपर फोकस करें कि जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं उनको रिजोल्व उनकी नीड्स के मुताबिक बताए ठीक है Shooting all the benefits that you have, तो इस तरीके से बस लेके चले रेस्ट दे विल अंडरस्टैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम के सेल्स का साइकिल क्या होता है सेल्स होती किस तरीके से मेरे से ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं I'm still I mean it's it's a process right yeah it's it's still uh, the process that's all yeah so aap kya batana chahenge business development ke bare mein all that uh i think ke aapko jo hai sab aapko jo hai na cheezon ko zyada prospecting jo aapki hai wo ek strategy hone chahiye different strategies hone chahiye आपको सेल्स के अलावा आपको 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 ईमेल मार्केटिंग करनी 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 चाहिए आपको, uh, चाहिए 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 डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने और 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 अच्छी करनी चाहिए। और अच्छी लीड्स और भी भी क्लोजिंग जल्दी आई मीन I mean, अगर आप मुझे कह रहे हैं स्टैटिक uh, तो नंबर नहीं है ना कि सेल होगी लोग पहले भी करते